अतिथि शिक्षक ना हो तो शैक्षणिक व्यवस्था एक दिन में चरमरा सकती है। ऐसा मध्य प्रदेश का कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर अतिथि शिक्षक ना हो। यदि सरकार के अंदर हिम्मत है, यदि उनकी क्षमता है, तो मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों को हटा के देख ले। आज शिक्षा मंत्री जी हमें अपमान कर रहे हैं, कह रहे मेहमान हो, घर में घर घुसने की कोशिश न करो, घर में कब्जा कर। प्लीज, बिल्कुल निंदनीय है और ये कहीं तक उचित नहीं है। ऐसा उनको नहीं बोलना है। भी विद्यालयों में किसी विद्यालय में एक एक अध्याय भी पूर्ण नहीं हुआ है विद्यार्थियों का। फिर आज सरकार के वादे क्या मोहन सरकार पूरे कर पाएगी? क्या आप लोगों के जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? शिवराज जी होते तो ये शायद निश्चित था कि वो कर सकते थे। अतिथि शिक्षक जिन्होंने अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से दिया है, उनकी कुछ मांगे भी रही हैं, जिन मांगों को लेकर चुनाव के पहले महापंचायत भोपाल में हुई थी और पूर्व सीएम ने तमाम वादे किए थे, जिन वादों को पूरा करने की बाट आज भी अतिथि शिक्षक जो रहे हैं। और अब जब भोपाल पहुंचे अपना प्रदर्शन करने, सीएम से मिलने, तो किस तरीके से बल प्रयोग हुआ वो भी तस्वीरें सामने आई। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष छतरपुर के मौजूद हैं, तमाम जिले के अतिथि शिक्षक भी मौजूद हैं। सीधे उनसे बात भी करेंगे किस तरीके की उनकी मांगे हैं और क्या पूरी हुई, क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे वो शासन से। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, राम अवतार कुशवाहा, जिलाध्यक्ष आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ छतरपुर। कुशवाहा जी, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ जी, जो मांगे थी आपको वो निरंतर चली आ रही हैं, प्रोटेस्ट में क्या हुआ था ऐसा जो पुलिस ने बल प्रयोग किया और इस तरीके की तस्वीरें सामने आई? प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि बल प्रयोग करना पड़े या ऐसी स्थिति बने। हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते मर्यादित तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और मोहन यादव जी के निवास पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शांतिपूर्वक होने के बावजूद भी पुलिस को अतिथि शिक्षकों को वहाँ से हटाना था। इस हटाने को दृष्टि रखते हुए उन्होंने बल प्रयोग किया, यहाँ तक मेरे पैर में चोट आ गई थी ज़्यादा, तो मुझे वहाँ पर अस्पताल में रेफर किया, भर्ती किया गया, और जिसमें से इसके बाद भी महिलाओं पर बल प्रयोग किया गया। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं है प्रशासन के लिए। और ये मांग आज की नहीं है भाई साहब, हम 15-20 सालों से अतिथि शिक्षक से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसका परिणाम भी अतिथि शिक्षकों की वजह से आ रहा है। ऐसा मध्य प्रदेश का कोई स्कूल नहीं है जहां पर अतिथि शिक्षक ना हो, और यदि अतिथि शिक्षक ना हो तो शैक्षणिक व्यवस्था एक दिन में चरमरा सकती है, यह मैं वचन देकर कह सकता हूँ। यदि सरकार के अंदर हिम्मत है, यदि उनकी क्षमता है, तो मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों को हटा के देख ले। एक भी अतिथि शिक्षक न रखे और अपनी शैक्षणिक व्यवस्था चला ले तो हम मान जाएंगे कि सरकार के हमारा कुछ नहीं है। आज शिक्षा मंत्री जी हमें अपमान कर रहे हैं, कह रहे मेहमान हो, घर में घर घुसने की कोशिश न करो, घर में कब्जा करने की कोशिश न करो। कैसे शिक्षा मंत्री हैं भैया? आपको शिक्षा मंत्री बनाया है, किस लिए बनाया? हमारी हित की रक्षा के लिए। यह मतलब नहीं है कि अतिथि शिक्षकों का अपमान करो, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। या और हालांकि माफ़ी भी मांगी है, बात माफ़ी मांगने की नहीं है, बात अपशब्द कहने की है। सोचना चाहिए अतिथि शिक्षक, हम आप लोगों की शैक्षणिक व्यवस्था बना के रखे हैं, आपके बच्चों को हम अपने बच्चों जैसा पढ़ाते हैं, परिणाम अच्छे देते हैं, अपमान नहीं सह सकते। अपमान नहीं सह सकते, बिल्कुल। जिस तरीके से भोपाल में हुआ, आपने मांगे रखी, क्या उम्मीद है आपको? शासन कितना गंभीर है आपकी मांगों को लेकर? फिलहाल सरकार के रवैये से यही मालूम चल रहा है कि वो गंभीर नहीं है हम लोगों की मांगों के प्रति। मांगों के प्रति गंभीर होना चाहिए, जो हम लोगों ने मांगे रखी थी उन मांगों को पूरा करना चाहिए। विभागीय परीक्षा और या अनुभव अंकों के आधार पे अच्छी रणनीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम है सर आपका? चंद्रपाल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, शिक्षा मंत्री की टिप्पणी आई, हालांकि माफ़ी मांगी, कितना सही समझते हैं ऐसी टिप्पणी आप? ये टिप्पणी बिल्कुल निंदनीय है और ये कहीं तक उचित नहीं है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि काम करते हैं, अधिकार है हमारा अधिकार है उनसे लड़ करके अपना लेना, उनसे प्रदर्शन करना। ऐसा तो नहीं, बल प्रयोग इतना आपने दिखा दिया वहाँ उग्र की शिक्षा मंत्री को ये बयान देना पड़ा कि शिक्षा मंत्री अब बयान, वो तो डर ही रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या है, सभी लोग अपने अपनी मांग लेकर के जाएंगे, अधिकार है हमारा मांगने का, उनसे देना ना देना उनके ऊपर है, लेकिन हम मांग भी तब की जा रही है ना कि वादे भी हैं। और वादे हैं, ऐसा नहीं, उनने पहले कहा है वही चीज़ मनवाने के लिए कहा है कि श्रीमान जी वो आदेश जो आपने घोषणाएं की थी उनके आदेश कर दीजिए, उसमें भविष्य सभी का सुरक्षित हो जाएगा एक साथ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। एक और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, ये स्कोर कार्ड भी, अंकों का गेम भी बहुत बुरी तरीके से खेला जा रहा है DPI और इनके विभागीय अधिकारियों के द्वारा।
इसमें किसी दिन 50 जुड़ जाते हैं, किसी के 15 जोड़ते हैं, किसी के 20 जोड़ते हैं और घट भी जाते हैं। एक दिन के लिए 50 अंक मिले सभी को। स्कोर कार्ड यानी जब आप अतिथि के लिए अप्लाई करते हैं वो नहीं, अप्लाई करते हैं उन्होंने जो बोनस अंक दिए एक दिन के लिए मात्र 50 अंक लगे सभी के जितने भी हैं 5 साल के अनुभव 10 अंक के पर ईयर के हिसाब से, और वो बाहर कुछ नहीं है उनका। तो ये सिस्टम पता नहीं चल रही क्या है वो उनको ये सिस्टम में झोल कहाँ है क्या हाँ, समझ में आ रहा है। यही तो झोल है कि पता नहीं वो करना नहीं चाहते, गुमराह है करने किए हैं पूरे आलएमबी के अतिथि शिक्षक को। अच्छा जो देख रहे क्वार्टरली एग्जाम हो रहे हैं, अतिथियों की भर्ती अभी हुई है, कितनी प्रभावित हुई होगी इससे शिक्षा व्यवस्था, क्या कहेंगे सर? होने वाले हैं, हो शुरू हो गए हैं और अतिथि अभी भर्ती हो रहे हैं, इन 3 महीनों के गुजरने के बाद क्या किस तरीके से शिक्षण व्यवस्था संभाल पाएगी? अभी भी विद्यालयों में किसी किसी विद्यालय में एक एक अध्याय भी पूर्ण नहीं हुआ है विद्यार्थियों का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी आज तक सभी विद्यालयों में अधिशिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। इसलिए जो बच्चे आज अध्ययनरत हैं उनका जो क्वार्टरली एग्जाम चल रहा है अभी त्रैमासिक परीक्षा, तो उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम आएगा। ठीक, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके की मांग अतिथि शिक्षक की पे डिपेंड होके सरकार शिक्षण व्यवस्था चला रही है, बहुत सारे विद्यालय हैं उनमें शिक्षक की कमी है, जाहिर है सबको पता है, अतिथि शिक्षक वहाँ भर्ती होते हैं वो शिक्षण व्यवस्था को संभालते हैं। जब क्वार्टरली एग्जाम शुरू हो चुके हैं और अभी सिलेबस शुरू नहीं हुआ, अतिथियों की भर्ती नहीं हुई, क्या मानते हैं झोल कहाँ है? झोल इस प्रकार का है कि अभी तक जो है शिक्षण व्यवस्था एक प्रकार से देखी जाए तो कई जगह अतिशेष शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है। इस वजह से जो है वो अपने जो प्रभार उनको दिए गए थे उन प्रभारों को पूरा करने में लगे हुए हैं कि यहाँ का प्रभार निपटे तब हम दूसरे विद्यालय में जाकर के नए प्रभार लें, नए तरीके से काम प्रारंभ करें। लेकिन अभी तक जो है कई जगह अतिथि शिक्षक हैं ही नहीं, अभी भर्ती ही नहीं हुई है। अभी सुन रहे थे 18 तारीख डेट हुई थी, 18 तारीख के बाद से अभी तक जो है नए अतिथि शिक्षक रखे ही नहीं गए हैं। तो कई विद्यालयों में अभी भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और देखा जाए और, तो और क्वार्टरली एग्जाम चल रहे हैं, कैसे पढ़ तीन चार एग्जाम हो भी चुके हैं। तो बच्चों की शिक्षा अगर देखी जाए तो लगभग एक प्रकार से रुकी हुई है, बिल्कुल कोई मतलब शिक्षा चालू ही नहीं हुई है। जो जहां पर परमानेंट शिक्षक हैं वो भी अपने प्रभारों में कहीं किसी की जो है काउंसलिंग चल रही है, सरकारी काम भी होते हैं, तमाम सारे मीटिंग और डाक ये भी हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि आज कहा जाए तो छतरपुर जिले में आज भी काउंसलिंग के लिए कई शिक्षक परमानेंट शिक्षक गए हुए हैं, तब तो उस जगह और हालत खराब हो जाती है, खराब गेस्ट टीचर हैं ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, आप बड़े सीनियर शिक्षक हैं, कितने साल हो गए आपको अतिथि में काम करते हुए? मुझे तो लगातार 14 वर्ष हो गए हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोहनलाल प्रजापति है जी, और मैं अतिथि शिक्षक वर्ग 1 जीव विज्ञान का अतिथि हूँ जो लगातार काम कर रहा हूँ अभी सर। और आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद है जो हमारे अतिथियों की जो कष्ट है वेदना है इनको आगे लाने का काम करते हैं। एक समस्या जी, मांगों पर फिर आ जाते हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं जो और क्या मांग पूरी हुई है, जो रह गई हैं वो क्या है? जो श्रीमान जी ये मांग रह गई शासन प्रशासन से कि अतिथियों को विभागीय परीक्षा लेकर के, ऐसे ना करें आप, विभागीय परीक्षा लेकर के आप नियमित करें, ऐसा नहीं जो अतिथि शिक्षक विभागीय परीक्षा में बैठता है और अच्छे नंबर लाता है आप उनको परमानेंट करिए, ऐसे नहीं चाहते हैं। और जो सीनियरिटी है सीनियरिटी के हिसाब से आप अतिथि शिक्षकों को लीजिए। प्रोटेस्ट आपने किया है, जिस तरीके बल प्रयोग भी करना पड़ा पुलिस को, ऐसा तो नहीं कुछ शिक्षक युवा रहे हो वो दंडता कर दी हो तो पुलिस को बल प्रयोग करना नहीं पड़ा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जितने भी शिक्षक जाते हैं बड़े सब, और अगर ऐसे करें विद्यालय में करें तब तो फिर बच्चे ही तो दंड हो जाएंगे, क्योंकि वो देख कर वो टीचर का ही अनुकरण करते हैं, जो शिक्षक करता है वही होता है। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, शिवराज सरकार के वादे क्या मोहन सरकार पूरे कर पाएगी, क्या आप लोगों के जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? ये तो इतने समय में तो अभी विश्वास नहीं हुआ है कि शायद ऐसा हो जाएगा। ये है अगर श्रीमान पूर्व CM साहब शिवराज जी होते तो ये शायद निश्चित था कि वो कर सकते। आगे लड़ाई कैसे जारी रहेगी? आगे लड़ाई अभी और जारी रहेगी। भाई साहब सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपका इस चैनल को बहुत हृदय से शुभकामनाएं छतरपुर जिले के समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से, और मेरा पैर भी ठीक हो गया, दोबारा भोपाल में जाने के लिए प्रशासन से लड़ने के लिए हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमारी जो भी मांगे हैं भाजपा सरकार ने, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने
अतिथि शिक्षक पंचायत बुला करके करोड़ों रुपया खर्च करके वहाँ पंचायत बुलाई थी। उस पंचायत में अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए घोषणाएं की थी। उन्हीं घोषणाओं को मंगवाने के लिए हम कह रहे हैं, अलग से हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आपने घोषणा की है, आपके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने घोषणा की है, उन्हीं घोषणाओं के आदेश चाहिए। केवल एक आदेश लागू हुआ है, वेतन वृद्धि, उससे हमारा भविष्य सुरक्षित होने वाला नहीं है। हमें अपने पद का अस्तित्व चाहिए, अपना भविष्य सुरक्षित करवाना है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यह प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाएगा। अभी सरकार को 30 तारीख तक का टाइम दिया है, 30 तारीख तक यदि हमारे पक्ष में आदेश नहीं आते हैं तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भोपाल की धरती में 5,500 की संख्या में अतिथि शिक्षक पहुँचने वाले हैं, और हमें अपने आदेश किसी भी कीमत में चाहिए। सरकार कैसी भी दे, सरकार की व्यवस्था है ये। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हमने 15-20 साल सेवाएं दी हैं, हमारी जवानी निकल गई। हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश के दूसरे युवाओं का यूज किया जाए, डिस्पोजल की तरह यूज नहीं होना चाहते हम लोग। हम होलिया कोई बात नहीं, हमें आगे भविष्य ये तो रवैया बना रहेगा भाई। हमें तो नहीं, महापंचायत चुनावी थी और चुनावी वादे थे तो चुनाव सरकार बन गई, अब नहीं पूर्व सीएम जी चले गए तो नहीं नहीं वादे चुनावी वादे हो सकते हैं, अतिथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। अतिथि शिक्षक जो होता है, शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। हम बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करते हैं, हमारा भविष्य अंधकार में है। ये कैसी सरकार है भाई, सरकार शिक्षकों से चलती है। तो शिक्षा मंत्री पहले भी कह चुके आप लोग अतिथि हो तो अतिथि बन के ही रहो। शिक्षा मंत्री की शिक्षा पर हमें संदेह हो रहा है, क्योंकि अतिथि है, हम घर में कब्जा नहीं करेंगे भाई साहब। आप भी जानते होंगे यदि 15 साल किसी जमीन में किसी ने कब्जा कर लिया, उसकी भूमि स्वामी हो जाता है, कोर्ट कहती है ऐसा। यदि हमने 15 साल सेवाएं दी है सरकारी स्कूल में, आपके बच्चों को, आपकी शैक्षणिक व्यवस्था को बनाए रखा है, तो हम अभी भी भगवान अतिथि है, हमारा कब्जाधारी। यदि ठीक है, मान लिया कि हमें कब्जा कर, उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री जी ने कि घर में कब्जा करने की कोशिश मत करो, हमने सरकार बनाई है, शिक्षा मंत्री हमने बनाया, हमारे वोट से बना है। ये अकेले शिक्षा मंत्री जी एक वोट से शिक्षा मंत्री बन जाते। मध्य प्रदेश की युवाओं ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की है तब कहीं ये शिक्षा मंत्री बने। हमारा घर है वो, मध्य प्रदेश शासन व्यवस्था हमारा घर है, शिक्षा मंत्री का बस घर नहीं है। और हम अपने घर में अपने मालिक से मांग रहे अपना अधिकार। ये पूरा मध्य प्रदेश एक परिवार, एक घर है, ऐसा हमें अलग कोई बाहर से नहीं आए हैं, हम विदेशी नहीं है। शिक्षा मंत्री को इस बात को ज्ञान होना चाहिए कि हमारा परिवार है, परिवार के लोगों को ऐसा नहीं कहा जाता। तो 2 अक्टूबर को लड़ाई की तैयारी, बिल्कुल शांतिपूर्ण लड़ाई है या वाकई में ऐसी लड़ाई है? नहीं, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है। शिक्षक की मर्यादा में रहते हुए हम लोग आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। पुलिस बल प्रयोग तो नाजायज, पता नहीं कैसी सोच से करती है। हम लोग तो वहाँ कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे थे कि उनको बल प्रयोग करना पड़े। हम उद्दंडता कभी नहीं, कदापि नहीं कर सकते, शिक्षक होने के नाते हम ऐसा तो सोच भी नहीं सकते, करने की दूर की बात है। हमें 30 तारीख तक का टाइम दिया है, 2 अक्टूबर को 5,500 की संख्या में भोपाल की धरती में अतिथि शिक्षक पहुंचने वाले हैं। चलिए 2 अक्टूबर को फिर कूच करेंगे अतिथि शिक्षक, अगर तब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और शांतिपूर्ण लड़ाई जारी रखने की और आर पार लड़ाई करने की बात भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा की जा रही है। और उम्मीद उन्हें यही है कि जल्द मोहन सरकार, जो भाजपा सरकार है, वो पूर्व सरकार जो भी भाजपा सरकार थी और महापंचायत में वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करे। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।